आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया, तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ, जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अलशरे पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, MSK मिल रोड, अलशरे पीयू कॉलेज फॉर गर्ल एट मुस्लिम चौक, मिजगोरी, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अलशरे BSc डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी एंड अलशरे पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। एडमिशन आर ओपन, कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल्स। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौघात आदि बताए गए हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ, जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है, जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकता है? भाई, हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है, अब इसी में आप समझ लीजिए सब बात। इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है, सबके मन में इस बात का दर्द है, चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है, और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है, जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना ये अच्छी चीज नहीं है। भाई, शंकराचार्य की बात नहीं है, शंकराचार्य जी क्या कहेंगे, जो सच होगा तो वही तो कहेंगे। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विश्वासघात तो हमारे यहाँ पाप बताया गया है, ये तो धर्म का मामला है ना, पाप और पुण्य, और इस बारे में कौन बोलेगा, राजनेता बोलेगा, इस बारे में तो धर्माचारी ही बोलेगा। ये हमारे यहाँ परंपरा है कि जब गुरुजन पधारते हैं तो उनकी पादुकाओं की पूजा की जाती है और उसी का विधि विधान के साथ पालन उद्धव ठाकरे जी ने सपरिवार किया। देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में द्वादश ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है, बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है, और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ, उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को, जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं, क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के हजार नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। भाई, बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं, हमारे सभी जो हमारे
धर्म स्थान है, वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं, और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details.